सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे, पर्सनली अच्छी एप्लीकेशन लगी है, क्योंकि दोस्तों हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट या वगैरह वगैरह की जितनी भी एप्लीकेशन है उनसे। तो वो एप्लीकेशन क्या करती है, हमारे मोबाइल की रैम भी भरती है और बैकग्राउंड में इंटरनेट का डाटा भी खर्च करती है। लेकिन यहाँ पर आप वो सारी एप्लीकेशन मोबाइल से डिलीट करने के बाद सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन रखेंगे अपने मोबाइल के अंदर जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली क्या है दोस्तों, जितनी भी ऑनलाइन पे शॉपिंग करने वाली एप्लीकेशन है जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पेटीएम मंत्रा बुक माई शो जाबोंग, वो सारी एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके मोबाइल की रैम भी बचेगी और शॉर्टकट भी है, यानी कि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल में इधर उधर डायरेक्ट मिल रहा है सब कुछ। अमेजन से शॉपिंग करनी है तो डायरेक्ट अमेजन खोल सकते हो, यहाँ से ये लियो भैया अमेजन खुल गया है ना। और जी आपको फ्लिपकार्ट से करनी है डायरेक्ट फ्लिपकार्ट खोल लेंगे, ये इसी के अंदर खुल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। लिंक नीचे दे रखा है, यहाँ पर पेटीएम भी है मंत्रा भी है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप इससे शॉपिंग कर सकते हो डायरेक्ट ही, है ना। इधर आपको ऑफलाइन ऑप्शन में सिटी वाइज डील मिल जाएगी, आप सिटी वाइज भी डील कर सकते हो अपनी, है ना। और यहाँ पर आप मतलब मस्त है यार, देखो पेटीएम भी डायरेक्ट दे दिया जा रहा है आपको, है ना। और देख लीजिए यदि आपको कोई टिकट बुक करना है बुक माई शो डायरेक्ट दे दिया जा रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मोबाइल की रैम भी बच रही है और एक ही एप्लीकेशन के अंदर सभी शॉर्टकट दे रखे हैं जिससे कि हमें भी फैसिलिटी मिल रही है ना। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसा करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।